नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश की ललकार की, क्योंकि उपचुनाव में मिली हार पर भले ही अखिलेश यादव मौन हो, लेकिन सरकार पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। और आज अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने लैपटॉप का ऐसा दांव चला कि स्कूटी लैपटॉप के मोर्चे पर पूरी सरकार को घेर लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार मिल रही उन हारों का है जिनका जवाब अखिलेश यादव से देते नहीं बन रहा, क्योंकि आज जब उनसे रामपुर और आजमगढ़ पर सवाल पूछा तो अखिलेश ने लैपटॉप की बात कहते हुए टाल दिया। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के एसी वाले तंज पर भी चुप्पी साध रहे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुप्पी आखिर कब तक रहेगी। अखिलेश का लैपटॉप दांव, 24 में मजबूत होंगे पांव। सरकार को याद दिलाने के लिए सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी। सरकार को याद दिलाया स्कूटी का वादा, लैपटॉप पर साइकिल का दाम। हार पर अखिलेश मौन, रामपुर और आजमगढ़ का जिम्मेदार कौन? आज केवल लैपटॉप और अच्छी बातें होगी, उसके लिए बाद में होगी। उपचुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव पहली बार मीडिया के सामने आए, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में मिली हार पर एक शब्द नहीं कहा। आज केवल लैपटॉप और अच्छी बातें हो रही हैं। उसके लिए बाद में होगी। सबको इंतजार था कि जो सवाल आजमगढ़ और रामपुर की हार के बाद उठ रहे हैं उस पर अखिलेश कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अखिलेश पर ही उठ रहे हैं और सवाल उठाने वाले कोई और नहीं, खुद अखिलेश यादव के साथी ओम प्रकाश राजभर हैं, जो अखिलेश यादव को एसी से निकलने की नसीहत देते हैं। समाजवादी पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। तो इनको निकल के जो क्षेत्र में एसी कमरे से निकल करके चलना चाहिए बाहर, क्षेत्र में अपने नेताओं को लेकर के जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में काम करने की। पर जब राजभर को लेकर अखिलेश से सवाल हुआ तो अखिलेश इस पर भी चुप्पी साध गए। मैंने कहा कि आज इस विषय के अलावा कुछ नहीं, अगर आप लैपटॉप पे बात करना चाहें तो मैं कर सकता हूँ। अखिलेश पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों की बात करते रहे। यह अखिलेश यादव के जन्मदिन का मौका था, इस दौरान उन्होंने टॉप करने वाले छात्रों को लैपटॉप भी दिया, लेकिन लगे हाथ सरकार के लैपटॉप और स्कूटी वाले वादे पर तंज भी कस दिया। सरकार को याद दिलाने के लिए कि सरकार ने पहले भी वादा किया था कि लैपटॉप देंगे और इस बार भी वादा किया कि लैपटॉप देंगे। मुझे नहीं पता कि कब सरकार देगी। आपको बता दें कि जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ली तब से वो 4 बड़े चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन रामपुर और आजमगढ़ की हार के बाद कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के मजबूत किले थे। ये सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ प्रचार करने तक नहीं गए थे। अखिलेश यादव लैपटॉप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसने का कोई मौका चूक नहीं रहे। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे थे। भाजपा जब चुनावी मैदान में आई तो उन्होंने भी लैपटॉप बांटने की बात कही, हालांकि लैपटॉप की जगह बच्चों को कॉपी किताबें और बैग दिया जा रहा है। अखिलेश यादव इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगातार हमला कर रहे हैं। और अब बड़ा सवाल है कि जो जोश अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में दिखा, क्या वो 24 में भी दिखेगा, क्योंकि पिछले दो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई है और उपचुनाव हारने के बाद तो सपा 3 सीट तक सिमट गई है, जो अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। ऐसे में अखिलेश क्या अपनी पार्टी को फिर से उस दौर में ला पाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और अब विश्लेषण में बात मायावती के 24 फतह प्लान की, क्योंकि जब से आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे आए हैं मायावती फुल फॉर्म में है। क्योंकि मायावती ने जहां एक तरफ अपने मंडल प्रभारियों को 90 दिन में 1 करोड़ एक्टिव कार्यकर्ता बनाने का टारगेट दिया है, वहीं मंडल व्यवस्था को खत्म कर जोन व्यवस्था शुरू कर दी है। दरअसल मायावती की कोशिश भाजपा की तरह अपने बूथ को मजबूत करने की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती बसपा को मजबूत कर पाएंगी। क्योंकि सच तो यह है कि जिस हार में वो अपनी जीत देख रही हैं, उनकी विधानसभा में सिर्फ एक ही सीट है। मायावती का एक्शन प्लान, मंडल व्यवस्था खत्म, जोन का ऐलान। आजमगढ़ के नतीजे से माया का जोश हाई, 24 में होगी सीधी लड़ाई। भले ही विधानसभा चुनाव में बसपा का जादू ना चला हो, लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों के बाद मायावती फुल फॉर्म में नजर आ रही हैं। क्योंकि मायावती ने अपने मंडल प्रभारियों के साथ बैठक कर 90 दिन में 1 करोड़ एक्टिव सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। साथ ही मायावती ने मंडलीय व्यवस्था को खत्म कर एक बार फिर से जोन सिस्टम को लागू कर दिया है। मायावती की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। 2024 का किला फतेह करने के लिए बसपा अब कुछ कुछ भाजपा वाले ट्रैक पर ही चलती हुई नजर आ रही है, यानी माइक्रो प्लानिंग के तहत बूथ को मजबूत करने पर फोकस। शायद यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश में प्रभारी की व्यवस्था को खत्म करने के साथ अब सभी मंडलों को 6 जोन में बांट दिया है। इन सभी जोन में कोऑर्डिनेटर्स को नियुक्त किया गया है जो बूथ स्तर तक जाकर काम करेंगे। खास बात यह भी है कि 6 में से 4 जोन ऐसे हैं जहां पर कोऑर्डिनेटर्स में मुस्लिम समुदाय को भी पूरी जगह दी गई है। मायावती ने मंडलीय व्यवस्था को खत्म करते हुए 6 भागों में बांटते हुए 3-3 मंडल का एक जोन बनाया है। हर जोन में 2-2 मुख्य जोन प्रभारी होंगे, जिनमें जोन 1 में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल होंगे, जिसके लिए राजकुमार गौतम और नौशाद अली को जिम्मेदारी दी गई है। जोन 2 में आगरा, अलीगढ़ और बरेली के लिए मुनकाद अली और सूरज सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। जोन 3 में कानपुर, झांसी और चित्रकूट मंडल है, इसके लिए डॉक्टर विजय प्रताप और बीपी अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी गई। जोन 4 में गोरखपुर, बस्ती और देवीपाटन मंडल के लिए सुधीर भारती और दिनेश चंद्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई। जोन 5 में अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी के लिए शमसुद्दीन राइन और मदन राम को जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक इसी तरह जोन 6 में लखनऊ, प्रयागराज और मिर्जापुर मंडल है, जिसके लिए घनश्याम चंद खरवार और अखिलेश अम्बेडकर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा एक्टिव नजर क्यों नहीं आए। इससे पहले आजमगढ़ उपचुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब था, जबकि यूपी विधानसभा चुनाव की कमान पूरी तरह से सतीश चंद्र मिश्रा ने ही संभाल रखी थी। हालांकि सतीश चंद्र मिश्रा इस बैठक में शामिल थे, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो ज्यादा एक्टिव नहीं थे। वो बैठक में देरी से पहुंचे और जल्दी निकल गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती 24 की रणनीति के लिए नए योद्धा की फौज तैयार कर रही है। क्या उस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम नहीं होगा। ऐसे तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि मायावती ने 90 दिन में 1 करोड़ नए एक्टिव मेंबर तैयार करने को कहा है। जानकारों की माने तो मायावती भाजपा की तरह अपने हर बूथ को मजबूत करने पर जोर दे रही। उनकी कोशिश फिर से दलित मुस्लिम समीकरण को मजबूत करने पर है। मायावती के आत्मविश्वास की वजह आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे हैं, जिसमें हारी हुई बाजी में भी उन्हें जीत नजर आ रही। दरअसल आजमगढ़ में गुड्डू जमाली को मिले 2,66,000 वोट से नई धार मिली है, क्योंकि आजमगढ़ में जीतने वाली भाजपा को 34% वोट, रनर अप रही सपा को 33% वोट और बसपा को 29% वोट मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मायावती के ये निर्देश 24 में हाथी की रफ्तार बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में साइकिल का हाल बुरा है तो हाथी का बहुत बुरा। क्योंकि जिस सूबे की मायावती 4 बार मुखिया रही, आज उसी सूबे में बसपा का सिर्फ 1 विधायक है। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा।
और अब बात सुप्रीम कोर्ट की फटकार की, क्योंकि नूपुर शर्मा के जिस विवादित बयान को लेकर हिंसा भड़की, देश का माहौल खराब हुआ। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है और टीवी पर आकर माफी मांगने को कहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या माफी से काम चल जाएगा, क्योंकि राजनीतिक दलों ने कह दिया है कि उन्हें नूपुर की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। शर्मा को सुप्रीम फटकार, एक बयान और भाईचारा तार तार। शर्तों पर माफी नहीं होगी मंजूर, जो अब तक हुआ उसमें किसका कसूर। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और देश में फैली अशांति के लिए कोर्ट ने सीधे तौर पर नूपुर शर्मा को ही जिम्मेदार बताया है। ये नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट की सबसे तल्ख टिप्पणी है, क्योंकि कोर्ट ने नूपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्तों के साथ माफी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अगर बात करें तो पैगंबर के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, इसको लेकर के देश भर में FIR दर्ज की गई है, जिसको लेकर के नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि तमाम सारे FIR की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है और याचिका खारिज करते हुए नूपुर शर्मा पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नूपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोर्ट की सुनवाई में उदयपुर हत्याकांड का जिक्र भी हुआ। कोर्ट ने कहा नूपुर ने अपनी बदजुमानी के साथ गैर जिम्मेदाराना बातें की, बिना ये सोचे किसका अंजाम क्या होगा। कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त माहौल खराब है, उसके लिए कहीं ना कहीं नूपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नूपुर शर्मा को देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर भी सख्त टिप्पणी की है और साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस ने रेड कार्पेट बिछाने का काम किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से नूपुर शर्मा को यह रियायत जरूर दी है कि वो अपने खिलाफ दर्ज FIR को लेकर के किसी भी राज्य के हाईकोर्ट या निचली अदालत में अपील कर सकती है। गौरतलब है कि नूपुर शर्मा ने 27 मई को विवादित बयान दिया था, जिसका रिएक्शन 3 जून को कानपुर में दिखा। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई। अगले कई दिन तक खाड़ी देशों ने नूपुर शर्मा के बयान पर विरोध जताया, जिसके बाद 5 जून को भाजपा ने एक्शन लेते हुए नूपुर को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जमकर हिंसा हुई और इस बार हिंसा की आग यूपी के आधा दर्जन जिलों में और देश भर में जगह जगह दिखाई दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट की फटकार के बाद क्या नूपुर शर्मा को लेकर शुरू हुआ विरोध खत्म होगा, क्योंकि कई राजनीतिक दल नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर अड़े हैं, जो कहते हैं माफी से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक देश में और दुनिया में न्याय है, तब तक देश को और दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और अगर देश और दुनिया को कोई बचा सकता है तो सिर्फ न्यायिक प्रणाली ही बचा सकती है, इंसाफ का रास्ता ही बचा सकता है, चाहे वो इंसान हो, इंसानियत हो, मानवता हो, तहजीब हो, धर्म हो, मजहब हो, मजहबी रिवायात हो, मजहबी रिश्ते हो, क्योंकि सियासतदानों के पास अपने अपने एजेंडे हैं, उनके पास अपना इंटरेस्ट है, अपने नफे और नुकसान के मंसूबे हैं। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नूपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं, आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नूपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप, और उन पर जो IPC CRPC का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नूपुर शर्मा को। कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से हुई, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे। जो बयान उन्होंने दिया है, तो माफी सिर्फ नूपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने
सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता। अब सबकी निगाहें अदालत पर टिकी हैं। नुपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए हाई कोर्ट जाने को कहा, मतलब जो विरोध विवादित बयान से शुरू हुआ वो कोर्ट की फटकार और माफी के बाद भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, लेकिन पूरा घटनाक्रम कैसे एक महीने से गर्म हो रहा है हम आपको दिखाते हैं। 27 मई वो तारीख थी जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दे दिया था, यहां से हंगामा शुरू हुआ। 1 जून को एफआईआर का सिलसिला शुरू हुआ नुपुर शर्मा के खिलाफ और एफआईआर पूरे देश भर में लिखाए जाने लगे। लेकिन बात बिगड़ गई 3 जून को, जब जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जबरदस्त पत्थरबाजी हुई, बवाल हो गया और कई घंटों तक कानपुर जलता रहा। फिर 4 जून आया, कई देशों ने विरोध जता दिया। आईओसी, जो इस्लामिक कंट्रीज है, उनका ऑर्गेनाइजेशन लगभग 57 देश है, उन्होंने भारत से माफी की मांग कर डाली। 5 जून को नुपुर शर्मा को भारतीय जनता ने पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन जो नुपुर शर्मा के बयान पर आग लगी थी वो कानपुर से चलकर प्रयागराज समेत एक आधा दर्जन जिलों में पहुंच गई और प्रयागराज में इंतहा हो गई। वहां पर पेट्रोल बम चले, पत्थर चले और पीएससी की गाड़ी में आग लगा दी गई। इसके अलावा 28 जून को जो हुआ उससे पूरा देश सन्न है। उदयपुर में कन्हैया नाम के एक टेलर की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन उसने कर दिया था। तो ये पूरी तस्वीर रही नुपुर शर्मा को लेकर। और चलिए अब बात करते हैं विकास की, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की, क्योंकि यूपी के सपनों को उड़ान और बुंदेलखंड की जिंदगी बदलने वाला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। अब माना जा रहा है कि 13 जुलाई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेसवे शुरू होने से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी केवल 6 घंटे की होगी और उसके साथ ही बदहाल बुंदेलखंड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तैयार, बस उद्घाटन का इंतजार। पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी 6 घंटे में चित्रकूट से दिल्ली। किसी भी देश के लिए जरूरी होता है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जब रोड बनते हैं तो रोजगार आता है। और देश का सबसे बड़ा सूबा अपने चौथे एक्सप्रेसवे के लिए बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है, क्योंकि जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यूपी के विकास के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा वो पूरी तरह से बनकर तैयार है। और अब बस इंतजार है पीएम मोदी का, क्योंकि जुलाई के दूसरे हफ्ते में पीएम मोदी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूप में यूपी को चौथा एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री जुलाई के दूसरे हफ्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यूपीडा ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक्सप्रेसवे बनने से चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर बहुत आसान हो जाएगा। करीब 12 से 14 घंटे जो लगते थे वो अब 6 से 7 घंटे में चित्रकूट से लोग दिल्ली पहुंच सकेंगे। अब न सिर्फ एक्सप्रेसवे बल्कि बुंदेलखंड की ग्राम पंचायतों के पंचायत भवन का रंग भी बदलने लगा है। पंचायत भगवा करने के लिए ये है कि चूंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका ये कलर जो है पसंद है, उनकी जब वो मीटिंग में भी आते हैं तो उनकी कुर्सी पे भी यही तौलिया का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि उनके मन के हिसाब से हम लोग भी चलें। 25 जून को जब एसिया सोम अवनीश अवस्थी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे तब उन्होंने बताया था कि एक्सप्रेसवे का 97% काम पूरा हो चुका है और जो बचा है वो 13 जुलाई से पहले पहले पूरा करा लिया जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी 13 जुलाई को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। 29 फरवरी 2020 को बहुत बड़ा और बृहद कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ था। पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। मुख्यमंत्री जी, हमारे उद्योग मंत्री जी श्री नंदी जी, सभी लोगों ने ये निर्देश दिया है इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर ले। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीएम योगी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो 14,849 करोड़ की लागत से बना है। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, जिसके शुरू होने से चित्रकूट से दिल्ली तक पहुंचने में सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। इस एक्सप्रेसवे में 4 रेलवे ओवरब्रिज, 14 लंबे पुल, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा,
266 छोटे पुल और 18 फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां 5 एक्सप्रेसवे होंगे, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बनकर तैयार है, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगातार जारी है। अब बस इंतजार है तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शुरू होने का, क्योंकि जिस बुंदेलखंड को पिछड़ा माना जाता है उसे इस एक्सप्रेसवे से नई रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सनसनीखेज हत्याकांड के बारे में जिसने ताज नगरी आगरा में हड़कंप मचा दिया, जिक्र ब्लॉगर रितिका हत्याकांड का है। आए दिन इस केस में खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज एबीपी गंगा उन नामों से पर्दा उठाने जा रहा है जिन्होंने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। ये वो लोग हैं जिन पर शायद कभी रितिका ने सबसे ज्यादा यकीन किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब खुद रितिका इन्हीं सबसे खतरा महसूस करने लगी, पर अफसोस कि उसे कोई सुनने वाला नहीं था। ब्लॉगर मामले में एक और खुलासा, कागजों पर बिखरी एक और साजिश, बरसों से किया जा रहा था परेशान। रितिका ने पन्नों पर उकेरा था नाम, कागज पर बिखरा परेशान करने वाला सच। रितिका सालों से उन लोगों से संघर्ष कर रही थी जिन पर कभी उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। महिला ब्लॉगर इतनी परेशान थी, इतनी अकेली थी कि उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद उसने कागज के बेजान पन्नों का सहारा लिया था। रितिका की पर्सनल डायरी के पन्ने सामने आए हैं। रितिका ने इस डायरी में अपने दुख और संघर्ष की दास्तां लिखी है। रितिका ने लिखा है कि आकाश परिवार को परेशान करता था, झूठे फोटो दिखाकर आकाश बदनाम कर रहा था। पत्र में दीपाली नाम की महिला पर भी परेशान करने का आरोप लगाया। डायरी 10 जून 2021 को रात 12:45 पर लिखी गई थी। रितिका ने लिखा था कि बचपन से अब तक बहुत दुख और संघर्ष देखे हैं, पर जब बड़ी हुई तो दुख ने हर तरफ से घेर लिया। हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर शायद किस्मत से इतने दुख लिखा कर लाई थी कि सबने बस इसी बात का फायदा उठाया। बहुत सताया सबने, पहले आकाश ने, जो अभी भी मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है। मेरी झूठी फोटो बनाकर सब जगह झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहा है, और वो औरत दीपाली अग्रवाल, उसने तो मुझे, मेरी फैमिली को इतना परेशान किया कि नर्क में भी उसे जगह नहीं मिलेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।